मैं एपी विद्यार्थी हूँ। मैं एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम से लोक प्रशासन का टीचर डॉक्टर पूर्व नागर आपको आज राज्य प्रशासन सेकेंड ईयर का पेपर टू BA पार्ट टू का पेपर टू राज्य प्रशासन में गृह विभाग पढ़ाऊंगा यानी कि होम डिपार्टमेंट। तो आपको मालूम होगा विद्यार्थियों कि गृह विभाग एक कैबिनेट विभाग है। कैबिनेट विभाग का मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट विभाग है राजस्थान सरकार का या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये टॉप कैबिनेट पोस्ट के जितने भी वो होते हैं मंत्री, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये विभाग है। इसका कारण ये है कि सारी पुलिस जेल सब इसके अंडर में होती है जो कि गृह विभाग का मंत्री होता है। और इसलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट आईएएस होते हैं, जो सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट होती है आईएएस लोगों को दी जाती है, जो वो गृह विभाग होते हैं और फाइनेंस भी एक है उनमें से। पर हम आज गृह पढ़ेंगे। तो गृह विभाग का सबसे पहले हम पढ़ेंगे संगठन, उसके बाद में हम कार्य पढ़ेंगे गृह विभाग के। तो गृह विभाग का संगठन आप सब जानते हैं, गृह विभाग गृह मंत्री के अंडर में है और गृह मंत्री के अंडर में जो गृह विभाग है उसका उसके नीचे है राज्य मंत्री, गृह का राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री। उसके नीचे है शासन सचिव गृह। हालांकि शासन सचिव जो है इसके भी दो सचिव हो सकते हैं, गृह विभाग की विभाग बड़ा है और जिम्मेदारी बहुत सारी है, इसलिए दो सचिव इसके हो सकते हैं। और इसको देखते हुए क्या है कि विभाग की महत्व तो देखते हुए और बहुत वृहद विभाग देखते हुए इसके अंदर बहुत सारे उप सचिव हैं, विशिष्ट सचिव हैं। जैसे कि विशिष्ट सचिव गृह सुरक्षा, ये विशिष्ट सचिव गृह जो है उसके अंडर में उप सचिव हैं, उप सचिव पुलिस, उप सचिव सुरक्षा, उप सचिव अपील। जो भी कोर्ट में केसेस जाते हैं उसकी भी ये विशिष्ट सचिव देखभाल करता है। इसके नीचे उप सचिव हैं और उप सचिव के नीचे अधीनस्थ संस्थाएं भी हैं, लेकिन हम पहले पढ़ेंगे दूसरा जो व्यक्ति जो इनके अंडर में है शासन सचिव के अंडर में, वो है लेखाधिकारी यानी कि अकाउंट्स ऑफिसर। उसके बाद है उप सचिव जेल एवं पासपोर्ट, ये भी इसके अंडर में है। फिर उप सचिव ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार, फिर है उप सचिव समन्वय तथा नागरिक सुरक्षा और विशिष्ट शासन सचिव विधि एवं निदेशक अभियोजन भी इसका एक पार्ट है। और इस विशिष्ट शासन सचिव में विधि एवं निदेशक अभियोजन का दो भागों में डिवीजन है इसके पावर्स का। पहला है अतिरिक्त निदेशक अभियोजन न्यायालय का, जो सहायक निदेशक उसके अंदर में, और इसके दूसरा है अतिरिक्त निदेशक अभियोजन पुलिस। ये दो हैं। फिर इसके नीचे विभाग कौन कौन से हैं आपको मालूम होगा। इसके नीचे एक तो नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा होमगार्ड्स, ये सब इसके अंडर में है। फिर महानिदेशक पुलिस, फिर जेल तीसरा विभाग है। जेल, जेल भी इसके अंडर में है गृह विभाग के। राज्य अन्वेषण ब्यूरो यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो IB स्टेट की इंटेलिजेंस ब्यूरो। और फिर है अभियोजन विभाग, जो अभियोजन बना के और व्यक्ति के खिलाफ जब कार्रवाई करते हैं तो उसका टोटल अभियोजन यहाँ से होता है। तो हम ये देखते हैं कि ये इसका संगठन है, मेन मेन संगठन की बातें इस प्रकार से है। और अब हम पढ़ेंगे कि इसके कार्य क्या क्या हैं। तो गृह विभाग है तो पुलिस से संबंधित होगा, तो गृह विभाग के अधिकांश क्या मतलब सारे कार्य पुलिस से ही जुड़े हुए हैं। तो कौन कौन से विभाग चीजें पुलिस हैंडल करती है, तो ये तो आपको मालूम ही है। पुलिस गृह रक्षा, आरक्षी, पुलिस कारागार, जेल इसकी व्यवस्था, अग्निशमन भी इसके अंडर में है, अग्निशमन की भी देखरेख करता है ये। नागरिक सुरक्षा में एक होता है होमगार्ड्स, होमगार्ड्स में भी लोगों की भर्ती होती है और वो भी शाम को गश्त लगाते हैं आदि, और या फिर जहाँ मेला या ऐसा कुछ होता है और पुलिस की व्यवस्था तो नहीं हो पाती तो होमगार्ड्स को भी वहाँ लगाया जाता है और उनकी उनको भी काफ़ी पावर्स होती हैं। शांति और व्यवस्था बनाए रखना ये तो मेन काम है। और फिर हम देखते हैं कि आवारागर्दी, डकैती, कोई भी नकबजनी, राहजनी और जेब कतरना, ये सब इसके इसके खिलाफ कार्रवाई, उसे इसको रोकने की कार्रवाई भी ये करती है। फिर
फिर नजरबंदी कानून का क्रियान्वयन, यानी किसी को नजरबंद करा है कोर्ट ने तो वो उसका भी कार्रवाई है। फिर अंतर्राज्यीय कैदी या अपराधी हस्तांतरण, अपराधियों को देना अंतर्राज्यीय कैदियों का देखरेख करना। फिर है ये है अपने दीवानी और आपराधिक प्रकरणों में न्यायिक औपचारिकताएं पूरी करना, ये भी इसका एक पार्ट है। और कानूनी प्रकरणों कि में खोजबीन और हथियारों का नियंत्रण करना, हथियारों पे लाइसेंस देते हैं हथियारों को तो बिना उनकी सिफारिश के नहीं मिलता, बिना उनकी तफ्तीश के नहीं मिलता। फिर उसके अलावा विस्फोटक पदार्थों एवं हथियारों का नियंत्रण, कितने हथियार होने चाहिए, कितने किस तरह का लाइसेंस जारी होगा और उनका नियंत्रण करना, सब इसका काम है। उसके अलावा है फॉरेंसिक यानी कि अन्वेषण करना कि यदि जो मर्डर हुआ, जैसे जासूस करते हैं फिल्मों में, या तो कि किसी कोई की मर्डर हुआ है तो किसने किया होगा और कौन सा वेपन लिया है, उसके फिंगरप्रिंट्स हैं, ये भी सब देख करना। तीर्थ यात्रियों की भी सुरक्षा करना, हज यात्रियों की सुरक्षा करना। विस्फोटक पदार्थों का नियंत्रण, विषैली वस्तुओं, खतरनाक चीज, दवाओं का नियंत्रण और मादक पदार्थों का भी नियंत्रण। शराब आदि पीने वाले, शराब बेचने वाले, शराब की दुकानें आदि, उनका भी वो करना। फिर तीर्थ और हो गया राज्य की बीमा सुरक्षा, राज्य की सीमा की सुरक्षा और निकटवर्ती क्षेत्रों के निवासियों से तालमेल एवं सहयोग करना, ये भी इसका मेन काम है। फिर है छावनियों से संबंधित कुछ कार्य की छावनी होती है वो शहर के अंदर होती है, उसका भी कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो तो वो भी वो करती है। और फिर कारागार सुधार संस्थाओं और किशोर अपराधियों के गृह इत्यादि का प्रबंध करना। और उसके अलावा राज्य बीमा में सुरक्षा कार्यों, सुरक्षा रेलवे सुरक्षा के कार्य, राज्य बीमा यानी कि रेलवे सुरक्षा करना, राज्य का इंश्योरेंस के काम करना। फिर जमीन से निकला हुआ जो भी सामान है वो राज्य सरकार का है तो वो पुलिस उसकी देखभाल करती है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वो किसी आदमी के हाथ में लगे और वो पर्सनल प्रॉपर्टी समझ के उसको अपने काम में ले ले। फिर हम देखते हैं कि जो बच्चों, महिलाओं, असहायों, अनुसूचित जाति जनजाति, इन सब की सुरक्षा करना, बूढ़ों वृद्धों की सुरक्षा करना आदि, ये सब विशेष कार्य इसका, और उनके संबंध में होने वाले अत्याचारों का नियंत्रण ये भी उनकी है। उसके अलावा प्राकृतिक तथा अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में सरकारी विभागों के समन्वय और जन कल्याण के प्रयास करना, कोरोना में भी जन कल्याण का प्रयास किया गया, कोई महामारी फैले, कोई इमरजेंसी हो तो उसमें भी इन्होंने बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना कार्य व्यवस्था देनी है। उसके अलावा कोई भी दीवानी मामले हो, आपराधिक प्रकरणों में न्यायिक औपचारिकता पूरी करनी हो, जे कैदी को ले जाना लाना, कैदी को जेल में रखना, सारे के सारे कार्य जो हैं ये पुलिस के कार्य हैं। फिर महावीर चक्र, परमवीर चक्र से संबंधित व्यक्तियों का राजकीय अनुदान में सहायता करवाना, अभियोजन यानी कि प्रोसिक्यूशन के मामले, मृत्युदंड या अन्य दंडादेश पर छूट के प्रकरण। फिर उसके अलावा समाचार पत्रों में पंजीकरण, नियंत्रण, नियमन, गृह विभाग के कार्य के विशेष श्रेणियों में कर्मियों की भर्ती, प्रशिक्षण, सिनेमा, मनोरंजन, जुआगरों का नियंत्रण, हथियारों का नियंत्रण, लाइसेंस स्वीकृत करना। फिर उसके अलावा बालवास और उपद्रव, सबका ध्यान रखना। उसके अलावा पाकिस्तानी जेलों में भारतीय नागरिकों को जो छुड़वाना है उसकी कार्रवाई करना, लिख के देना, पुलिस सेवा अवार्ड, मेटेरियल, आंतरिक सुरक्षा आदि सारे के सारे जो हैं वो गृह विभाग का कार्य है। तो हम ये देखते हैं कि गृह विभाग एक तरह से पूरे राजस्थान में, राजस्थान के सब चीज़ों की सुरक्षा करना, सब लोगों की सुरक्षा करना, सारी सुरक्षा की व्यवस्था करना, और इमरजेंसी में तो सहायता करती करती है, पर जहाँ इमरजेंसी नहीं है वहाँ पर भी लोगों को जरूरी सामान मुहैया कराना, बाढ़ है उसमें विशेष तौर पे एक्टिव हो जाते हैं, कहीं बाढ़, भूकंप ये सब आ गए तो उसके अंदर भी विशेष तौर पे पुलिस एक्टिव होती है, हालांकि फौज भी एक्टिव हो जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि पुलिस के पास वो साधन नहीं होते, जैसे हेलीकॉप्टर है। अब आर्मी के पास तो हेलीकॉप्टर होता है लेकिन पुलिस के पास मुश्किल होता है हेलीकॉप्टर वो करना। उसके अलावा वीआईपी की सुरक्षा करना, ये भी पुलिस का मेन काम है कि वीआईपी का जब कोई गुजरता है पथ पे से आना जाना तो वो भी ट्रैफिक कंट्रोल करना, सारा काम ये भी पुलिस का है, ट्रैफिक की सारे नियम, ट्रेनिंग सब कुछ करना ये भी पुलिस का काम है। फिर लोगों को बुक करना, चालान काटना, गाड़ी उठा के ले जाना, जो निगम करता है, निगम का लेकिन पालना पुलिस कराती है। तो आपने देखा होगा कि चौराहे पर खाकी वर्दी और नीली वर्दी दोनों में एक ट्रांसपोर्ट का
भी होगा और उसके अलावा एक थाने का भी व्यक्ति होगा, ये सारे के सारे कार्य करना। इन सब कार्य को करते हुए पुलिस जो है वो अपना पूरा दायित्व पूरा करती है। आज के बेटा यहीं पर ही, फिर बाकी हम कल पढ़ेंगे।